हाय गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले Realme X9 Pro और OnePlus Nord 2 दोनों स्मार्टफोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि दोनों स्मार्टफोनों के अंदर कुछ खास डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिलने वाले, सिर्फ डिस्प्ले और प्रोसेसर को लेकर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, बाकी काफ़ी हद तक सभी फीचर जो है वो सिमिलर देखने को मिलने वाले। तो आज की ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले दोनों स्मार्टफोनों के बीच डिफरेंसेस के बारे में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम सब 100 के ही काफ़ी करीब है, अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो हम सब 100 के भी कंप्लीट कर ही देंगे। सो प्लीज़ यार थोड़ा और सपोर्ट करो और 100 के फटाफट से कंप्लीट करवा दो। और अब चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग दोनों स्मार्टफोनों की लुक एंड डिज़ाइन को लेकर बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि OnePlus Nord 2 की ऑफिशियली रेंडर्स बाहर नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे Realme X9 Pro की ऑफिशियली रेंडर्स बाहर आ चुकी है किस लुक एंड डिज़ाइन के साथ आने वाला है। ग्लास बॉडी का सपोर्ट होगा और एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आने वाला है। बाकी अगर दोनों स्मार्टफोनों की डिस्प्ले को लेकर बात करें, तो OnePlus Nord 2 जो होगा वो 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाली है, जहाँ पे 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा और डिस्प्ले जो है वो फ्लैट होगी। लेकिन अगर Realme X9 Pro की बात करें, तो ये एक 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाली है और यहाँ पे भी 90 हर्ट्ज़ की ही रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन डिस्प्ले जो है वो एक कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाली है। तो ये कुछ दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले डिस्प्ले को लेकर। यहीं पे अगर रियर साइड कैमरास को लेकर बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन ट्रिपल कैमरे के ही सेटअप के साथ आने वाली है और दोनों की प्राइमरी शूटर 50 मेगापिक्सल की होने वाली है, जो कि सोनी IMX 766 सेंसर के साथ आने वाली है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल को लेकर हमें चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। OnePlus Nord 2 जो है वो 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ आने वाली है, जबकि Realme X9 Pro जो है वो 16 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ आने वाली है। तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस होगा। बाकी दोनों की जो डेप्थ सेंसर है वो 22 मेगापिक्सल की देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कैमरास को लेकर हमें डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। बाकी अगर फ्रंट साइड कैमरास को लेकर बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन जो है वो लेफ्ट पंच होल कोडॉट के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ आने वाली है। तो यहाँ पे सेल्फी को लेकर दोनों स्मार्टफोनों की कुछ खास डिफरेंसेस नहीं देखने को मिली है। अब ऑप्टिमाइजेशन कैसी होगी दोनों की, ये अलग सी बात है, कौन कैसे ऑप्टिमाइज करता है अपने कैमराज को। बाकी अगर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोनों की बैटरी इमेज को लेकर बात करें, तो 4500 mAh की बैटरी के साथ दोनों स्मार्टफोन आने वाली है, जहाँ पे 65 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग स्पीड को लेकर भी कुछ खास डिफरेंसेस हमें दोनों स्मार्टफोनों के साथ नहीं मिलने वाले। बाकी अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो हाँ परफॉर्मेंस को लेकर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले। OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन जो होगा वो Dimensity के 1200 की चिपचिट के साथ आने वाली है, जबकि X9 Pro जो है वो Qualcomm Snapdragon 870 की चिपचिट के साथ आने वाली है। अब देखा जाए तो परफॉर्मेंस को लेकर दोनों चिपसेट के बीच कुछ खास डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि अगर एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें, तो स्नैपड्रैगन 870 के जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर हमें देखने को मिली है वह 6,44,000, जबकि Dimensity 1200 की बात करें तो इसकी एंटूटू बेंचमार्क स्कोर हमें 6,20,000 के आसपास देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी बहुत ही डिफरेंसेस होगी परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन यहाँ पे बैटरी एफिशिएंसी को लेकर हमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेस मिलने वाले, क्योंकि Dimensity 1200 जो है वो 6 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड होगा, तो ये बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी करने वाला है, जबकि स्नैपड्रैगन 870 ये 6 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड होगा, तो इस पे थोड़ी सी बैटरी एफिशिएंसी हमें कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू Dimensity 1200। अब देखा जाए तो 870 से हमें थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है और 1200 से थोड़ी सी बेटर बैटरी एफिशिएंसी मिलने वाली है। अलग अलग दोनों के कंडीशन होंगे। अब यहाँ पे अगर कुछ अदर डिटेल्स को लेकर बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आने वाली है। 3.5mm जैक का सपोर्ट जो है वो Realme X9 Pro के अंदर नहीं मिलने वाला है, लेकिन Nord 2 की भी कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी स्पीकर्स को लेकर दोनों स्मार्टफोनों की कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, डुअल स्टूडियो स्पीकर के साथ आने वाले या फिर सिंगल स्पीकर के साथ ही आने वाले। अब देखेंगे आगे इन फ्यूचर क्या होता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन विद बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ आने वाली है और अपने अपने अलग अलग UI के साथ आएगी। तो ये कुछ हमें डिफरेंसेस दोनों स्मार्टफोनों के अंदर देखने को मिलने वाले, कुछ खास नहीं है। बाकी अगर प्राइजिंग को लेकर बात करें, तो अभी मैं कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि किस प्राइजिंग रेंज के साथ हमें दोनों स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। आई थिंक शायद हो सकता है थोड़ी सी ऊपर नीचे हमें प्राइजिंग देखने को मिले।
अब देखते हैं आगे इन फ्यूचर प्राइसिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है या फिर रैम रोम वेरिएंट से रिलेटेड। आई थिंक इतना कंफर्म है कि दोनों स्मार्टफोन 8/128 GB रैम रोम वेरिएंट से ही स्टार्ट होने वाले डायरेक्टली और 12/256 GB या फिर इससे अपर वेरिएंट तक भी जा सकती है। अब इसके रिलेटेड भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।